बीजेपी ने असम में कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री बनाकर उन नेताओं को संदेश दिया है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं या आना चाहते हैं लेकिन अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सशंकित हैं। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि परफॉर्म करने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण पद लेने से उसे परहेज नहीं है। करीब सवा साल पहले जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा जोर शोर से चली थी। यह भी कहा गया था कि उनके समर्थकों को पार्टी संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। सिंधिया अपने साथ करीब 25 विधायकों को लेकर आए थे जिसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद मिला लेकिन खुद महाराजा भी प्रतीक्षा में हैं। कैडर आधारित होने के चलते बीजेपी के बारे में यह आम धारणा है कि पार्टी में नए आए लोगों को संदेह की नज़रों से देखा जाता है। बीजेपी की रीति नीति में रचे बसे लोगों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर सतपाल महाराज तक इसके कई उदाहरण भी हैं। लेकिन शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर बीजेपी ने एक झटके में इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की है। पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि अपनी उपयोगिता साबित करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण पद देने से उसे गुरेज नहीं है। इस फैसले में सिंधिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें धैर्य रखने के साथ अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे लोकप्रिय चेहरा है लेकिन नवंबर में हुए विधानसभा के उपचुनावों में चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बीजेपी को वे कामयाबी नहीं दिला पाए जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। सिंधिया के समर्थक गाहे बगाहे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे हैं लेकिन शर्मा का फैसला यह संकेत है कि इसके लिए उन्हें पहले परफॉर्म करना होगा। शिव शक्ति कंप्यूटर शेरमुख हनुमान मंदिर के पास बस स्टैंड।